चलिए दोस्तों, आज आपको स्पीकर बांधना सिखाता हूँ, जो कि एक शॉर्ट हो गया है, पूरा जल गया अंदर से। तो रिवाइंडिंग कैसे करते हैं स्पीकर की, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो देखते रहिए। तो पहले इसको अच्छे से उखाड़ लेना, हर चीज़ पर्दे को। बड़े स्पीकर बड़े आसानी से आप बना सकते हो घर पे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक होती है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक एक सब चीज़ निकाल लीजिए। ये इसका रिंग निकाल लेना, ताकि अच्छे से निकालोगे तो दोबारा काम आ जाएगी, नहीं तो वरना नया डर लगाना पड़ेगा इसमें। तो अच्छे से इसको काट के निकाल लेना है। फिर ये पर्दा तो आपको पूरा फाड़ ही लेना है, पूरा काट के निकालना पड़ेगा इसमें, इसको ब्लेड से पूरा काटना पड़ेगा। पर्दा हमने फाड़ दिया है। ये कॉइल का वायरिंग जो इसको काट लेना है। फिर ये कॉन है, इसको हटाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा इसका कॉइल जो है शॉर्ट हो गया है पूरा। अधिक वॉल्यूम रखने से ऐसा होता है, पूरा कट गया है, कॉइल जल गया। देखिए चलिए, तो नया लगा के दिखाते हैं आपको। इसको अब अच्छे से सब साफ कर लेना पूरा। ये पर्दे का जो भी बचा हुआ है पूरा इसको आप घिस के साफ कर लेना है अच्छे से, ताकि दोबारा अच्छा से चिपक जाएगा। सबसे पहले ये कॉइल की जगह में आपको टेप लगा देना है अच्छे से, ताकि इसमें ये मिट्टी कंकर वगैरह नहीं फंसे। अगर अगर मिट्टी अंदर रह जाएगी तो आपका कॉइल दोबारा फिर से जंप नहीं करेगा तो जल जाएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से बंद कर देना है, फिर आप अच्छे से इसको साफ कर लेना। ये देखिए हमने अच्छे से इसको घिस के साफ कर लिया है। ये देखिए कंप्लीट साफ हो गया। अब हम आपको स्पीकर का जो पार्ट सामान लगता है वो दिखाते हैं। ये देखिए इसका पर्दा, ये इसका स्प्राइट, ये इसका कॉयल, ये कैप और ये ऊपर का रिंग, स्पीकर के ऊपर का रिंग। ये इसके सामान लगेगा इसमें, जो ये पार्ट है इसका। चलिए तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है और कैसे आपको बनाना है। चलिए सबसे पहले इसमें कॉइल डाल के सेट करना पड़ेगा। कॉइल का ध्यान रहे। देखिए ये आपको लेना है टुकड़े, जो इसमें अच्छे से फंसा देना है। और ध्यान रहे ये जो पॉइंट है कॉइल के यही साइड होना चाहिए। स्पीकर का जो सॉकेट लगता है वायर, वही साइड लगाना है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, कॉइल हल्का सा ऊपर दिखना चाहिए।
ऐसे पूरा अंदर नहीं डालना है डीप में, लेवल देख लेना चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है। अब इसको यहीं पे टाइट कर देना एकदम, ये कॉइल को अंदर की साइड में जितना हो सके आप प्लास्टिक इसमें भर देना है, प्लास्टिक के पेपर है। ये देखिए इसको हमने पूरा अच्छे से टाइट कर लिया एकदम, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और हिलना भी नहीं चाहिए। इतना हो सके आप प्लास्टिक डाल देना है इसमें। अब इसका जो है स्पाइडर, इसको आप थोड़ा सा माप के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। पहले इसको ऐसे ही खाली बिठा के देखते हैं। चलिए देखिए इसमें सेट हो गया, अगर सेट नहीं हो तो हल्का से इसमें ऐसा है एक लकड़ी का लेके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या हल्का कटिंग भी कर सकते हो आप। इसी तरह ये पर्दे को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि इसका कॉइल जो है थोड़ा सा हल्का बड़ा है, तो ऐसे प्रेस करने से ये राउंड हो जाएगा थोड़ा होल एडजस्ट के लिए। ये देखिए कॉइल इसमें बैठ रहा है अभी। अब आपको लेना है ये एसआर जो है, यहाँ ये कोन को चिपकाने के लिए नीचे अच्छे से लगा देना है। ये एसआर गम है, इसमें चिपका देना है। चलिए अब इसको चिपका देना है अच्छे से, दबा के साइड से पूरा पुश करना है। ये देखिए अच्छे से बैठ गया है। कॉर्नर पे ये लगा देना है एसआर, देखिए एसआर लगा देना है इसे, जो कि गम है। वैसे आप बॉन्ड फिक्स भी लगा सकते हो, लेकिन बड़ा अगर स्पीकर हो तो एसआर ही लगाना है, उसमें अच्छा पकड़ रहता है। ये कॉर्नर पे हमने चारों तरफ अच्छे से लगा दिया। अब इसको पर्दा सेट करना है, इसके ऊपर देना है इसमें। देखिए बराबर बैठ गया है। अब इसको ये कॉर्नर पे दबा देना अच्छे से, ताकि पकड़ हो जाए इसमें पर्दे की। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेवल, अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसकी रिंग लगा देनी है साथ ही, ताकि हम इसको बाद में सूखने के लिए रखेंगे वो, तो रिंग भी टाइट हो जाएगी। का रिंग है जो कि स्पीकर के ऊपर लगाना है, इस पर भी आपको अच्छे से लगा देना गम। इस पर हम यूज करेंगे ये बॉन्ड फिक्स। ये देखिए स्क्रू का होल छोड़ के आपको चिपकाना है इसे। ये देखिए रिंग इसका ऊपर का सेट कर लिया हमने। अब इसका अगला है काम, बाकी दिखाता हूँ आपको। चलिए
अब हम वैसे तो एरोलाइट यूज करते हैं, लेकिन ये फास्ट है, 5 मिनट में सूखने वाला, ताकि जल्दी सूखे पर्दा। अर्जेंट में हमने ये लिया है ग्लू फिक्स, तो इसको मिला लेना है ट्यूब को, दो ट्यूब आती है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके ये दूसरा वाला ट्यूब है, दोनों ट्यूब में से बराबर आपको लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसको इस बीच गैप में जो है लगा देना है। ये देखिए पर्दा और स्पाइडर के दोनों को जॉइंट करने के लिए अच्छे से लगा देना है, चारों तरफ अच्छे से लगा के इसको कुछ टाइम के लिए रख देना है, ताकि अच्छा सा इसको पकड़ हो जाए पर्दा और स्पाइडर के बीच में। ऊपर के भाग में भी लगा देना है, ताकि यहाँ से भी अच्छा से पकड़ हो जाए कॉइल पर्दे के साथ। देखिए चारों तरफ अच्छे से लग गया इसमें। ये देखिए ये बिल्कुल 15 मिनट में सूख जाएगा अच्छे से। अब हमें इसको अच्छे से उल्टा रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सूख जावे। वैसे तो हमने फर्स्ट वाला यूज किया है, लेकिन फिर भी आपको अगर एरोलाइट लगाते हो तो 2 घंटा कम से कम उसको सूखने में लगता है। तो हम ऐसे इसको रख देना है कुछ देर के लिए। ये देखिए ये अच्छे से सूख गया है। अब हमें इसे ये सब निकाल देना है, प्लास्टिक वाले जो हमने डाली थी, प्लास्टिक पेपर। आराम से धीरे धीरे इसमें से निकाल लेना है। हमने 2 घंटा इसको सुखा दिया है अच्छे से। ये देखिए सूखने के बाद ये जंप हो रहा है अच्छे से स्पीकर कॉइल। जब अगर जंप अच्छी कर रही है तो समझ लो ना इसमें बेस अच्छा आएगा। चलिए सबसे पहले है ना इसमें ये कॉइल के जो वायर के हैं 2 छेद कर लेना है जहाँ से वायर गया है। ये देखिए अब इसमें हम यहाँ से वायर डाल देंगे, ये वाला। ये वायर खींच के आपको यहाँ लगा देना है। ध्यान रहे ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, ज़्यादा लंबा रखिएगा तो आपस में टच होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको यहाँ से काट लेना है, दूसरा भी डाल देना है इसी तरह। इसको भी यहाँ से काट के अभी ये जो कॉइल का वायर है, दोनों वायर दोनों इसको अच्छे से लपेट देना है इस वायर के साथ। ध्यान दे जोर से नहीं खींचना, नहीं तो ये वायर कॉइल का टूट जाएगा। टूट जाएगा तो ये अपना पूरा मेहनत फिर से नया कॉइल डालना पड़ेगा। चलिए लपेटने के बाद इसके ऊपर सोल्डर कर देना है, ताकि जॉइंट अच्छा हो जाए दोनों। ज़रूरी है इसमें क्योंकि लपेटने से ये लूज हो जाएगा। फिर इसको बेंड कर देना, यहाँ दबा देना। चलिए ये हुआ। अब हम इस पर बॉन्ड फिक्स है
बॉन्ड फिक्स लगा देना अच्छे से ताकि ये दब जाएगा इसमें सूखने के बाद। ये हो गया स्पीकर कंप्लीट। अब आखिरी और लास्ट एक काम इसमें जो बाकी है कैप लगाना। अब ये कैप पे बॉन्ड अच्छे से लगा देना कैप पूरा। देखो ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। चलिए इसमें इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया कवर। तो ये हो गया अपना कंप्लीट स्पीकर तैयार। अब हम आपको इसमें फिटिंग करने के लायक तैयार हो गया स्पीकर, डायरेक्ट बॉक्स में फिट कर देना है। तो दोस्तों आज ये वीडियो के लिए आप देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे वीडियो नए नए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह नए नए वीडियो आपको देता रहूँगा। तो बहुत ही आसान तरीका था हमने आपको बताया, आप आसानी से बना सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको बॉडी में फिट कर देना है जो कि 2x2 का स्पीकर है। इसको वापस वायरिंग कर देंगे। ये ट्यूटर का सर्किट है, यहाँ से ट्यूटर का सप्लाई है।